सलोनी और मैंने फैसला किया कि हम अपनी पहली संतान आपको और भाई साहब को सौंप देना चाहते हैं। इस बच्चे पर हमारा कोई हक नहीं होगा। सच तो ये है ना है? कि तुम एक बहुत ही स्वार्थी इंसान हो। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था भाभी साहब कितनी बड़ी दीवार खड़ी हो जाएगी हमारे रिश्तों में। कांग्रेचुलेशन, मिसेस सुब्रा ने लड़के को जन्म दिया है। मुबारक हो आपको। थैंक यू डॉक्टर, थैंक्स अ लॉट। दीदी के यहाँ आने से पहले आप यहाँ कैसे आ सकते थे? आप इस घर को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। ये घर जितना नाहर और सलोनी का है उतना ही मेरा है। किसी ने सही कहा है, विनाश काल प्रीत बुद्धि। अगर ऐसी बात है जीजी, तो आपकी बहन पूरे होशोहवास में आपको ये हक देती है कि आप मेरे पति से शादी कर लें, कि आप मेरे पति से शादी कर लें। नहीं ना तारा, यही बात हम भी तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तारा, तुम्हारा घर हम टूटते हुए नहीं देख सकते, कारण चाहे कुछ भी हो। ये हमसे नहीं होगा तारा, हम नहीं कर सकते ऐसा काम। एक रास्ता है, इस काम के लिए हम किसी और औरत को हायर कर लेते, प्रोफेशनल है, जो ये काम बिना शादी के पवित्र बंधन के करने के लिए तैयार हो जाएगी, पैसों के लिए। तारा, हम इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकते। कितना प्यारा है, बिल्कुल अपनी मम्मी की तरह। और शुभ्रा, इसके नाक देखो, बिल्कुल तुम्हारी तरह है। और सच कहूं, श्रोता भी तुम्हारी तरह है। अपने नाहर अंकल को अपनी आवाज तो सुनाओ। मैं जानती हूँ काम के बीच परेशान कर रही हूँ, लेकिन क्या करूँ, मुझसे रहा नहीं गया। दूर से ही सही, बच्चे की आवाज तो सुनो। सुरीली है ना? क्यों ना, आखिर तुम्हारा भांजा। अब आप ये बताने की मेहरबानी करेंगी कि आप घर भी आएंगी या हमें भूलकर नए मेहमान के साथ ही रहेंगी? ओहो, तो जलन हो रही है किसी को? बिल्कुल हो रही है, हक है हमारा। तो तब क्या होगा? जब हमारा बच्चा इस दुनिया में आएगा, तब तो आपके लिए टाइम ही नहीं होगा मेरे पास। देखते हैं किसके पास किसके लिए टाइम नहीं होगा, क्योंकि हमारा बच्चा हर वक्त मेरे पास रहेगा, अपने डैडी के पास। सलोनी, मैं बाद में फोन करता हूँ। क्यों, क्या हुआ? नहीं, वो एक जरूरी फोन करना था। सॉरी, बाय। अरे बहुत बहुत बधाई हो शुभ्रा बिटिया, बहुत बहुत बधाई हो। भाई, मैं तो तेरी चाल ढाल देख के पहले ही समझ गई थी कि बेटा होने वाला है। भाई, आपको बहुत बहुत बधाई हो, नाती हुआ है आपका। थैंक यू मन्ना भाभी। आपको भी बधाई हो। नहीं। अरे भाई, मामा जी तो बहुत बिजी। अरे समर बेटा, अब तेरी बारी है, तू कब बेटा दिखाएगा हमें अपना? पापा, मैं घर जाता हूँ, आप लोग आ जाइए। थारी धौ ने गड़बड़ कर दी मैंने, लगता है बेचारे का दिल दुखा दिया। मैंने लॉयर से बात की, उन्होंने मुझसे कहा कि अगर पहले बीवी को कोई एतराज नहीं है तो कोई लीगल एक्शन नहीं लिया जाएगा। तारा, तुम क्या कह क्या रही हो? वो आपकी और ब्रजेश की शादी की जो प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम तुम्हारी सोच में है तारा, ये हमसे नहीं होगा। जीजी प्लीज, ऐसा मत कहिए जीजी, प्लीज। जीजी देखिए, जीजी आप मेरी पहली और आखिरी उम्मीद है, मुझसे बहुत प्यार करती है ना, तो फिर क्यों इनकार करिए? मुझे ऐसे तड़पता हुआ नहीं देख सकते ना आप? अपनी खुशियां नहीं, लेकिन ये समझ लीजिए मैं अपनी जिंदगी की भीख मांग रही हूँ जीजी, प्लीज। तारा प्लीज। जीजी, ये शादी सिर्फ एक समझौता होगा, प्लीज जीजी, मैं मर जाऊंगी दीदी, मैं अपनी सुनी गोद नहीं देख सकती दीदी, प्लीज एहसान कर दो मुझ पे। दीदी प्लीज, नहीं दीदी।
सागर, तुम्हें ऐसा लगता है कि ये करने से तुम्हारी जिंदगी के मायने बदल जाएंगे तो हम अपने आप को समझा लेंगे। अब ये सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए कर रहा था। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। अब फिक्र मत करिए, मैं ब्रजेश से बात करूंगी, मैं उन्हें समझाऊंगी, वो मान जाएंगे। माफ कीजिएगा तारा भाभी, मुझे आपके पर्सनल मामले में बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन जो आप करने जा रही हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं। इंसान की हर ख्वाहिश पूरी नहीं होती, फिर भी जीना तो पड़ता ही है ना। बस कावेरी जी, आपकी हिम्मत कैसी हुई इस तरह तारा से कुछ भी कहने की? ये सब कहने से पहले ये तो सोच लिया होता कि दूसरों के घर में ही पनाह लेकर उन्हीं के घर में जासूसी करना कितनी सही बात है। जी जी, मैं तो बस कावेरी जी, अब आप यहाँ से जा सकती हैं। और एक बात प्लीज सुनती चाहिए, आपकी हद केवल सलोनी तक है, आप यहाँ से जा सकती हैं। आई होप यू डोंट माइंड। किसने कहा था आपसे सुधरने के लिए? और अगर सुधर कर देवी का ही रूप लेना था वो इस घर में क्यों? और क्या मिल गया आपको मेरा घर उजाड़ के? और किस जन्म का बदला निकाल रही हैं आप मुझसे? दोस्त समझते थे हम आपको, अच्छी दोस्ती निभाई है। बात तो सही की है कब्रसाने, इतना कुछ हो रहा है मेरे आसपास, कितना एंजॉय कर सकती थी मैं, एक शरीफ औरत के गेटअप में मजा ही नहीं आ रहा है। कावेरी, जाने दे, ये सब तेरे बस की बात नहीं, ये शराफत का बिजनेस आपको ही मुबारक हो सलमान जी। मेरा टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है बोला। जी सलोनी दी। कावेरी, अब मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनने वाली। शुभ्रा के बेटे को देखने भी नहीं आओगी तुम? मैंने कहा ना सरोनी, मैं वहां आकर सबकी खुशियों को खत्म नहीं करना चाहती। ऐसा कुछ नहीं होगा कावेरी। ठीक है सरोनी, अगर आप इतना जोर दे रही हैं तो आ जाती। देखा, जैसे ही मैंने सीधी साधी ईमानदार औरत का चोला उतारा, वैसे ही मुझे अपने घर में वापसी का रास्ता मिला। तारा भाभी का ड्रामा भी सही वक्त के लिए बचा कर रखना होगा, जाकर सलोनी जी को बता दो। ना ना ना, ये कावेरी का स्टाइल नहीं। हाँ दीदी, बोलो। समर, तुम्हें जल्दी से हॉस्पिटल आना होगा। क्यों, क्या बात है, सब कुछ ठीक तो है ना? डॉक्टर ने कुछ दवाइयां लाने को कहा है जो पास वाले मेडिकल में नहीं मिलेंगी। ठीक है दीदी, मैं अभी हॉस्पिटल पहुंचता हूं। ये क्या हो रहा है सलोनी, मुझे भी तो पता। थोड़ा सा धीरज रखिए, सब पता चल जाएगा। अच्छा, मन्नो भाभी से कुछ छुपाया जा रहा है। एक्सक्यूज मी, हॉस्पिटल में मिलने का वक्त खत्म हो चुका है, आप लोग प्लीज जाइए। अरे इतनी जल्दी, मैंने तो अभी जी भर के देखा भी नहीं बच्चे को। अरे बेटा, जी भी तेरा नहीं भरने वाला है, अब तो तुझे जाना ही होगा। अरे नाहर बना भी तो तेरी राह देख रहे होंगे ना। अरे नील बेटा, हम लोग अब जा रहे हैं, किसी भी चीज की जरूरत हो तो फोन कर देना। जी। चलो सुनो। मन्नो भाभी, थोड़ी देर और रुकते हैं ना प्लीज। अरे क्या वेट करना है, कब अस्पताल वाले हमें धक्के देके बाहर निकाले? एक जबरदस्त प्लान है। अरे धवने, मैं भी सोचूं कुछ चल जरूर रहा है। क्या प्लान है बताती हूँ। आई देखी। शुभ्रा की वार्ड। आप नरवर सिंह जी के घर से आई है? जल्दी से डिलीवरी रूम में जाइए, समर सिंह जी की पत्नी वही है। समर की पत्नी? हाँ, उन्हें बेबी होने वाला है।
लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है। समर की बहन को बेटा हुआ है। आई नो पापा, दोपहर में शुभ्रा को बेटा हुआ और अब समर की पत्नी को होने वाला है। कहाँ बताया? वहां पर। जी एक्सक्यूज मी, दिस इज समर। हाँ जी, कांग्रेचुलेशंस, आपकी पत्नी प्रेग्नेंट है। आप कंफ्यूज हो रही हैं सिस्टर, मैं अपनी बीवी के लिए नहीं अपनी बहन के लिए आया हूँ, जिसे आई नो बाबा उसे बेटा हुआ है, लेकिन आपकी पत्नी भी भरोसा नहीं है, तो खुद ही जाकर देख लीजिए वहां उस तरह। तुम कभी नहीं सुधरोगे कावेरी, इतनी बड़ी बात हो गई और तुमने मुझे बताना जरूरी तक नहीं समझा। अगर यही सवाल मैं आपसे पूछूं तो आपने भी तो मुझे नहीं बताया। अरे मैं कैसे बताता, मुझे क्या मालूम। तो और किसे पता होगा समर, इतना बड़ा धोखा। क्या? अरे मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा तुम मुझे किस बात के लिए ब्लेम कर रही हो। हर चोर पकड़े जाने पर यही कहता है समर। अब ये नाटक रहने दीजिए, मैं जान गई हूं कि आपकी पत्नी मां बनने वाली है। हाँ वही तो मैं कह रहा हूं, इतनी बड़ी बात तुमने छुपाई क्यों मुझसे? मैं ये बात कैसे छुपा सकती हूँ जब मुझे कुछ मालूम ही नहीं। कमाल करती हो कावेरी, तुम प्रेग्नेंट हो तुम्हें ही नहीं मालूम। व्हाट, मैं प्रेग्नेंट हूं? मेरी बीवी तुम ही हो ना। फिर समर मैं तुम्हारी दूसरी बीवी की बात कर रही हूँ। क्या? भाई ये तो कॉमेडी हो गई। कावेरी समर ठीक कह रहा है, इसकी पत्नी तो तुम ही हो। और समर बेटा, भाई बच्चे की खुशखबरी कैसे मिलेगी जब तो तुम दोनों साथ नहीं रहोगे, क्यों सुनोनी? बिल्कुल, तुम्हारी बेचैनी और गुस्से ने सारी पोल खोल दी। अब तो कावेरी को माफ कर दो प्लीज। प्लीज। हाँ बेटा, अब माफ भी कर दो बहू को। अब देख तेरा भांजा भी ये चाहता है, कर दे बेटा। अब बेटा मान भी जाओ। समर मान जाऊंगा प्लीज। बेटा कड़वाहट को कड़वी बातें दूर नहीं कर सकती, थोड़ी सी चाशनी घोलनी होगी, फिर देखना अगले 7 जन्मों तक इसी कावेरी को मांगोगे तुम भगवान से। रहने दीजिए मनोभाव, इतने पाप किए हैं मैंने कि भगवान शायद मुझे माफ कर दे, पर समर मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। जब सब कह रहे हैं तो ठीक है। अपने घर चलोगी कावेरी? देखा, सीधी साधी कावेरी को कोई पसंद नहीं करता, जैसे ही अपने रंग में आई सभी को मुझसे प्यार हो गया। अब मैं वही करूंगी जैसी सब उम्मीद करते हैं मुझसे और जैसा ऊपर वाले ने मुझे बनाया है। आज इतना लेट कैसे हो गए ना, कहाँ थे तुम? ना ऑफिस में कोई खबर की, ना ही फोन पर। ये क्या है? भाई साहब, मेरी एक बात को गलत मत समझिएगा, मैंने अपने सारे शेयर्स
और बिजनेस का हिस्सा आपके नाम कर दिया है। आप प्लीज इसे भाभी सा को दे दीजिएगा। ये क्या कह रहे हो तुम? क्या हो गया है तुम्हें? अपनों के दिल में अगर शक का खतरा भी आ जाए रिश्तों को दम तोड़ते वक्त नहीं लगता, और मैं किसी भी कीमत पर अपनों को खोना नहीं चाहता। मैं जाने कहां से शायद भाभी सा के मन में ये बात आ गई है कि अपना वारिस ना होने की सूरत में सारी प्रॉपर्टी सारे बिजनेस पर कब्जा कर लूंगा। इसलिए मैंने कदम उठाया। नार, ये बात तुम्हारे दिमाग में आई कहां से? तारा कुछ भी सोच लेगी और तुम उसकी सोच के हिसाब से। भाई साहब मेरी बात तो मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। नार नार, ये तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है कि तुम मेरी जिंदगी में मेरे लिए क्या अहमियत रखते हो। प्रॉपर्टी तो क्या, मेरी जान से भी ज्यादा बढ़कर हो तुम मेरे लिए। दोबारा ऐसी गलती की ना तो कितने भी बड़े क्यों ना हो जाओ, मेरे छोटे भाई हो। दो थप्पड़ मारने का हक है मुझे, समझे? जिंदगी में कोई भी चीज तुमसे बढ़कर नहीं है नार। सच कहा तूने ब्रिजेश, मेरे राम लक्ष्मण की इस जोड़ी को भगवान भी चाहे ना तो अलग नहीं कर सकते। भाई बात है तो बहुत पुरानी लेकिन एकदम खरी। क्या बीत गई सो बात गई। अब हर रिश्ते में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। समझदारी इसमें है कि कौन सी बात को याद रखा जाए और कौन सी बात को दहलीज के बाहर उठा के फेंक दिया जाए। तुम दोनों को एक नई शुरुआत का मौका मिला है। अब माता रानी के आशीर्वाद से अपना घर बसाओ। चल सलोनी बेटा, हमारा तो काम हो गया, अब हम चलते हैं। जी खुश रहो। शुभ्रा की बातों को दिल पे मत लेना। एक बच्चे की माँ बन गई है लेकिन खुद अभी भी बच्ची है। उसे थोड़ा वक्त दे दो, मुझे विश्वास है वो अपना बर्ताव बदलेगी। और तुम्हारी भावनाओं को एक ना एक दिन जरूर समझेगी। चलती हूँ। जिस मेंटल स्टेट में इन दिनों तारा है उससे अभी बात करने का कोई मतलब नहीं। ब्रजेश, आपसे कुछ बात करनी थी। देखिए, ठंडे दिमाग से सुनिए, एकदम से ऐसे गुस्से में रिएक्ट मत करना प्लीज। बोलो क्या बात है। देखिए, मेरी कमी तो पूरी नहीं हो सकती लेकिन आप में तो कोई कमी नहीं है ना। हमारी गोद में भी एक नन्ना मुन्ना आ सकता है अगर आप दूसरी शादी कर लेंगे। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हमारे बच्चे के लिए। क्या हो गया है तुम्हें तारा? क्यों फिजूल की बात कर रही हो? यही होगा जब घर पर बैठ कर ना
माँ ना बनने की मजबूरियों के बारे में सोचती रहोगी ना तो यही होगा। कि एक बार बात तो सुन लीजिए। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता तारा। तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें छोड़कर किसी और को अपना लूंगा, वो भी एक बच्चे के लिए? नहीं चाहिए मुझे ऐसा बच्चा तो मुझे तुमसे दूर रखे। दूरी कैसी ब्रिटिश, हमारे प्यार में कोई कमी नहीं होगी। इस शादी की वजह से हमारे बीच कुछ नहीं बदलेगा। मैं जानती हूँ ये शादी हमारी जिंदगी के सुनेपन को एक तोहफा देकर खत्म हो जाएगी। बस बस तारा, कोई अपनी खुशी के लिए इतना सेल्फिश कैसे हो सकता है? मैं तो नहीं हो सकता तारा। I'm sorry. सेल्फिश होने का तो सवाल ही नहीं होता। हम किसी को मजबूर नहीं करेंगे, किसी की भलाई का फायदा नहीं उठाएंगे। सारी बातें साफ साफ होंगी सबकी रजामंदी से। ओह, तो इतना कुछ सोच भी लिया तुमने, तो फिर ये भी सोच लिया होगा कि कौन है वो जिसे तुम मेरी शादी करवाना चाहती हो। कोई भले घर की औरत तो इस काम के लिए कभी राजी नहीं होगी। इसीलिए राजी हो चुकी है, सिर्फ आपके यहाँ कहने की देर है। कौन कौन है वो? जी जी।